हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने टेरिडोफाइट्स के बारे में बात की थी, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, इसके बाद में आते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स हमने पढ़े थे उनसे ज़्यादा डेवलप होते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सबसे पहले क्या पाया गया, सीड। ठीक है, तो जो सीड हैबिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जिम्नोस्पर्म से, है ना। इनमें क्या बनता है, सीड बनता है। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीड फॉर्मिंग प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीड्स बनेंगे उन पर कोई भी ओवेरी वॉल नहीं पाई जाएगी, ओवेरी वॉल यहाँ पर एबसेंट रहेगी। ठीक है, किसके ऊपर, सीड के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह के जो सीड्स होंगे जिम्नोस्पर्म्स में वो सीड्स क्या कहलाएंगे, नेक्ड सीड, है ना। यानी इनको हम क्या बोलेंगे, नेक्ड सीड, है ना, नंगे होते हैं, यानी ओवरी वॉल नहीं पाई जाती इन पर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं जिम्नोस्पर्म में, तो यहाँ पर मीडियम साइज के प्लांट्स या ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, है ना। तो सबसे लंबा ट्री कौन सा है यहाँ पर, सिकोया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 274 फीट। ठीक है, ये इतना लंबा होता है। तो सबसे लंबा जो प्लांट है वो कौन सा है जिम्नोस्पर्म्स में, सिकोया। ठीक है, अधिकतर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट। ठीक है, इनकी जो रूट्स हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखती है, है ना। कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनकी रूट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखती है, किसके साथ, फंगस, है ना, और बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, तो जो रूट्स फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखती है, है ना, तो उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, है ना। यानी जो माइकोराइजा है वो एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो पाइनस ट्री की रूट्स हैं, है ना, पाइनस ट्री की जो रूट्स हैं वो किसके साथ एसोसिएशन में रहती है, फंगस, है ना। तो इस तरह से जो फंगस है वो फंगस से पाइनस रूट को क्या प्रोवाइड कराती है, मिनरल्स और वाटर, है ना, और इसके बदले में जो पाइनस है वो फंगस को फूड प्रोवाइड कराता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो साइकस ट्री है, साइकस ट्री में जो कोरेलोइड रूट्स है, उन कोरेलोइड रूट्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या है, कोरेलोइड रूट्स। ठीक है, ये पूरी क्या है, कोरेलोइड रूट्स। तो इन कोरेलोइड रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या काम करते हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, है ना। यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस में पाए जाते हैं, साइकस प्लांट की कोरेलोइड रूट्स में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इनमें जो स्टेम होता है, अगर स्टेम की बात करें तो इनमें जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है, है ना, और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, है ना। तो जो ब्रांच्ड स्टेम है वो किस में पाया जाता है, एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे पाइनस, है ना, और सेड्रस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसका ट्री है, पाइनस का। ठीक है, तो पाइनस के ट्री में ये क्या निकले हुए हैं, स्टेम की ब्रांचेस। ठीक है, तो ये ब्रांच्ड स्टेम है। ठीक है, अनब्रांच्ड स्टेम किस में पाया जाता है, ये एग्जांपल की बात करें तो साइकस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये साइकस का ट्री है, इसमें जो यहाँ पर स्टेम है, है ना, ये स्टेम अनब्रांच्ड है। ठीक है, लीव्स की बात करें
तो इनमें लीफ कैसी होती है? सिंपल पाई जाती है ना, और कंपाउंड, ठीक है, दोनों तरह की लीव्स इनमें पाई जा सकती है। तो कंपाउंड लीव में हम बात करें तो जैसे पिनेट लीव्स, ये जो पिनेट लीव्स हैं वो किस में पाई जाती है? साइकस में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, ये जो आपको लीव्स दिख रही हैं, ये जो लीव्स हैं ये कैसी लीव्स हैं? पिनेट लीव्स है ना, यानी पूरा एक गोला बनाए हुए हैं चारों तरफ से, ठीक है। तो ये पिनेट लीव्स हैं यहाँ पर, है ना। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेशंस पाई जाती है ना। यानी एक्सट्रीम कंडीशंस कौन सी होंगी? जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होना, ह्यूमिडिटी कम होना, है ना, और विंड ज़्यादा चलना। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं इनमें सर्वाइव करने के लिए इनमें कुछ अडेप्टेशंस पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम अडेप्टेशंस की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन सी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं? तो इनमें जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं? नीडल लाइक, है ना, नीडल लाइक लीव्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो नीडल लाइक लीव्स हमें किस में देखने को मिलती है? साइकस में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम में, ये जो लीव्स हैं ये कैसी हैं? नीडल लाइक, है ना, जैसे नीडल होती है सुई, उस तरह से ये बिल्कुल पतली होती है, ठीक है, और आगे से नुकीली होती है। तो ये जो नीडल लाइक लीव्स हैं ये क्या काम करती हैं? जो सरफेस एरिया है उसको रिड्यूस करती है ना, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देगी, जिससे क्या होगा? जो वाटर लॉस है ना, जो वाटर लॉस है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर पानी की कमी है उस एरिया में भी ये जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, किसकी वजह से? नीडल लाइक लीव्स की वजह से, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं इनमें? दूसरी है, इनमें जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है ना, थिक क्यूटिकल पाई जाती है इनमें, है ना, जो क्या काम करती है? वही वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं इनकी जो एपिडर्मिस है, संकन स्टोमेटा, ठीक है। संकन स्टोमेटा का मतलब जो स्टोमेटा है वो एपिडर्मिस में थोड़े अंदर धंसे हुए रहते हैं, जिनसे जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही क्यूटिकल और जो संकन स्टोमेटा है वो क्या काम करते हैं? वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उनको हम देखेंगे, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? दो कॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? कॉन्स, ठीक है। तो एक तो पोलन कॉन पाया जाता है, ये क्या है? पोलन कॉन, है ना। इस पोलन कॉन में किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ग्रेन्स का, ठीक है। और दूसरा क्या पाया जाता है? फीमेल कॉन, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? फीमेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है, या मेगा स्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पोलन कॉन की बात करते हैं। तो जो पोलन कॉन है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है, पोलन कॉन में क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रो स्पोरोफिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप येलो कलर में स्ट्रक्चर से देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो येलो कलर में,
तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, तो इन माइक्रोस्पोरोफिल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम में किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम में कैसे बनते हैं इसको हम देखते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्पोरोसाइट। इस माइक्रोस्पोरोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है ना। तो मियोसिस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स का। ठीक है, तो ये जो फोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स बने हैं ये आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस है वो किस में चल रही होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक है, तो इस तरह से जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है इसको हम क्या बोलेंगे, अब मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, मेल गेमिटोफाइट, तो ये हुई अपनी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात। अब हम आगे देखते हैं फीमेल कौन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो जो फीमेल कौन है उसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, मेगा स्पोरोफिल्स। ठीक है, जो एक जगह इकट्ठे होकर कॉम्पैक्टली किसका फॉर्मेशन करते हैं, फीमेल कौन का। ठीक है, पिरामिड की तरह दिखते हैं, है ना, ऊपर से नुकीले होते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे इनमें क्या पाए जाते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स। तो एक मेगा स्पोरोफिल को हमने अलग कर लिया, है ना, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, तो इस मेगा स्पोरोफिल की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो जो मेगा स्पोरोफिल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल, है ना, क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। ठीक है, तो इस ओव्यूल में फिर आगे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये हमने एक मेगा स्पोरोफिल की स्ट्रक्चर बना ली है। तो इस मेगा स्पोरोफिल में हम देखते हैं ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अंदर ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम को हम न्यूसिलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो मेगा स्पोरेंजियम है उसकी कोई भी एक सेल है ना, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये जो सेल है वो 2n होती है, इसमें क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस से आगे किसका फॉर्मेशन होगा, मियोसिस के द्वारा मेगा स्पोर मदर सेल से फोर हैप्लोइड मेगा स्पोर्स का। ठीक है, तो फोर हैप्लोइड मेगा स्पोर्स में जो थ्री मेगा स्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी का जो एक मेगा स्पोर है वो माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा किस में डेवलप कर जाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो मेगा स्पोर से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट का। ठीक है, तो यहां पर ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं अंदर,
एक या इससे अधिक आर्किगोनिया। ठीक है, आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये जो आर्किगोनिया है, इस आर्किगोनिया में क्या प्रेजेंट होती है, एग सेल। ठीक है, ये मेगास्पोरोफिल में आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल। ठीक है, जहां से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है। ठीक है, अब आगे हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, तो आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हो चुका है फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। तो आगे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम से हवा में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और ये हवा के द्वारा कहाँ तक पहुँचा दिए जाएंगे, फीमेल कोन तक। ठीक है, तो फीमेल कोन में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेगास्पोरोफिल्स, और मेगास्पोरोफिल्स में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन ओव्यूल्स में या फीमेल गैमेटोफाइट जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट हैं उसमें आर्किगोनिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आर्किगोनिया है, ये आर्किगोनिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है उस माइक्रोपाइल से अब कौन एंटर करेगा, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन से जैसे ही माइक्रोपाइल तक पहुंचता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, पोलन ट्यूब का। ठीक है, तो इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस पोलन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म। ठीक है, या स्पर्म्स या मेल गेमेट्स। ठीक है, तो ये जो मेल गेमेट्स हैं ये आगे किससे फ्यूज कर जाएंगे, एग सेल से। ठीक है, तो यहां पर स्पर्म और जो एग सेल है वो फ्यूज कर जाएगी। ठीक है, आर्किगोनिया में एग सेल प्रेजेंट होती है, वहां पर ये फ्यूज कर जाएंगे दोनों, और फिर इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का। ठीक है, तो ये अंदर मेगास्पोरोफिल में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका है। ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा, सीड का। ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन से जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है ना, वो जायगोट किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो से। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म और एग के फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन हुआ है, जायगोट का पहले, और फिर बाद में ये जायगोट किसका फॉर्मेशन कर दिया, एम्ब्रियो का। ठीक है, और ये जो सीड्स हैं अब ये हवा के द्वारा फैला दिए जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, और वापस फिर ये नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ये जो प्लांट हैं वो कौन सा प्लांट होता है, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इनमें जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेज होती है ना, ये ज़्यादा पाई जाती है इनमें। ठीक है, और जो गेमेटोफाइट फेज है वो इसी स्पोरोफाइट पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो शॉर्ट लाइफ पीरियड की होती है। ठीक है, तो ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है जिम्नोस्पर्म्स में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।